प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपको व्रत से संबंधित कुछ जानकारी दे रहे हैं। ये जानकारी आपको उस समय उपयोगी सिद्ध होगी जिस समय आप निर्देशांक ज्यामिति के अंतर्गत व्रत से संबंधित संख्यात्मक प्रश्नों को हल कर रहे हैं। तो सबसे पहला आपका टॉपिक है, सबसे पहला पॉइंट है, यदि कोई व्रत एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तब उसकी त्रिज्या उसके केंद्र की कोट के संख्यात्मक मान के बराबर होती है। संख्यात्मक मान से तात्पर्य यह है कि यदि केंद्र की कोट ऋणात्मक है तब उसका मान धनात्मक लिया जाएगा और धनात्मक है तब भी धनात्मक लिया जाएगा। अब इस तथ्य को मैं आपको चित्र द्वारा स्पष्ट कर रहा हूँ, आप समझने का प्रयास कीजिए। मान लीजिए आपका एक ही व्रत है, ये आपका एक्स अक्ष है और ये आपका वाई अक्ष है और इस व्रत का केंद्र है -3, -4। तो अब ये व्रत जो है आपका एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो इसलिए इसकी त्रिज्या जो है इस नियम के हिसाब से R बराबर होगी कोटि का संख्यात्मक मान और इसकी कोट कितनी है -4। तो ये आपका हो जाएगा -4 का मापांक बराबर 4। तो इसकी त्रिज्या आपको मालूम हो गई, इसकी त्रिज्या जो है वो 4 के बराबर है। अगर ये धनात्मक होता कोट, अगर मान लीजिए पहले चतुर्थांश में होता या दूसरे चतुर्थांश में होता तो कोट जो है धनात्मक होती तो धनात्मक ले लेते, लेकिन यदि व्रत का केंद्र जो है तीसरे चतुर्थांश में है या चौथे चतुर्थांश में है तो कोट का मान ऋणात्मक होगा लेकिन त्रिज्या धनात्मक ली जाएगी। तो आपको इस प्रकार से व्रत की त्रिज्या मालूम हो गई और व्रत का केंद्र आपको ये दिया हुआ है तो आप व्रत का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं x - h² + y - k² = r². आप जानते हैं कि यदि किसी व्रत का केंद्र h, k होता है और त्रिज्या r के बराबर होती है तब उस व्रत का समीकरण x - h² + y - k² के बराबर होता है। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न में अगर ये दिया हुआ है कि एक व्रत का केंद्र 3, -8 है और वह व्रत एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि व्रत की त्रिज्या बराबर हो जाएगी -8 का संख्यात्मक मान बराबर 8। अब व्रत का केंद्र आपको h, k ये प्राप्त हो गया और त्रिज्या आपको r ये प्राप्त हो गई। आप इस सूत्र के अंतर्गत मान लगा दीजिए h और k का और r का तो आपको व्रत की समीकरण प्राप्त हो जाएगी। यदि मान लीजिए आपसे कहता है कि व्रत का केंद्र -3, -8 है तब भी त्रिज्या इसी से निकलेगी क्योंकि त्रिज्या तो अगर एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो त्रिज्या जो है वो कोट के धनात्मक मान के बराबर होती है तो कोट तो -8 ही रही इसलिए त्रिज्या भी 8 के बराबर रहेगी। अगर आपका केंद्र होता -3, 8 तो जब अगर केंद्र -3, 8 है तो कोटि जो है वो तो 8 ही रही तो फिर इसका धनात्मक मान 8 का 8 आप वैसे ही लिख देंगे, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है मापांक निकालने की। तो इस प्रकार से यदि आपको व्रत का केंद्र दिया हुआ है और आपको ये दिया हुआ है कि वह व्रत एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा है इसका मतलब ये हुआ कि उसकी त्रिज्या आप आसानी से निकाल सकते हैं इस नियम के अनुसार। अब दूसरा नियम है यह कि यदि कोई व्रत वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो उसकी त्रिज्या उसके केंद्र के भुज के संख्यात्मक मान के बराबर होती है। अब यह मान लीजिए व्रत है एक व्रत है मान लीजिए आपका और ये इसे स्पर्श कर रहा है और इसका केंद्र मान लीजिए है -4, 3। तो अब चूंकि ये वाई अक्ष को स्पर्श कर रहा है इसलिए इसकी त्रिज्या जो है इसके केंद्र के भुज के संख्यात्मक मान के बराबर होगी। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी r - -4 / 4। फिर आपको ये व्रत का केंद्र h, k प्राप्त हो गया और त्रिज्या r का मान प्राप्त हो गया। तो आप इस समीकरण में जो आपको बतलाया था x - h² + y - k² / r²
इस सूत्र में एच के मान और आर के मान लगाकर आप व्रत का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। और यदि कभी कभी ऐसा होता है कि व्रत दोनों अक्षों को बराबर दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा होता है, एक्स अक्ष को भी स्पर्श कर रहा होता है और वाई अक्ष को भी स्पर्श कर रहा होता है, मान लीजिए आपका व्रत ये जा रहा है तो ये व्रत जो है आपका एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों को स्पर्श कर रहा है। अब चूंकि इसका केंद्र तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरे चतुर्थांश के निर्देशांक जो होते हैं दोनों ऋणात्मक होते हैं, इसलिए मान लीजिए इसका केंद्र जो है माइनस पांच कमा माइनस पांच होगा। जब कोई व्रत दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा होता है तो उसकी कोट और भुज दोनों के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं। यह नहीं हो सकता कि इसका संख्यात्मक मान कुछ और हो इसका कुछ और हो, यह तो तब होगा जबकि या तो एक अक्ष को स्पर्श कर रहा हो या किसी भी अक्ष को स्पर्श न कर रहा हो। यदि दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा है तो उसके केंद्र के भुज और कोट के संख्यात्मक मान बराबर होंगे और त्रिज्या का मान जो है किसी एक का निकाल लीजिए, आप चाहे भुज का निकाल लीजिए चाहे कोट का निकाल लीजिए संख्यात्मक मान, तो माइनस पांच बराबर आर। अब आपको वृत्त का केंद्र एच कॉमा के प्राप्त हो गया और वृत्त की त्रिज्या आर बराबर पांच प्राप्त हो गई, तो अब आप इस समीकरण के अंतर्गत मान लगा दीजिए एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो आपको वृत्त का समीकरण प्राप्त हो जाएगा। और चौथा तथ्य यह है कि यदि कोई वृत्त मूल बिंदु से जा रहा है तो समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स प्लस टू एफ वाई प्लस सी का सी में सी का मान जो है वो शून्य होता है। यदि आपको ये कहा गया है कि किसी ऐसे वृत्त का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से जाता है, या मान लीजिए आपसे कहता है कि कोई व्रत मूल बिंदु से जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आप व्रत का समीकरण निकालने के लिए समीकरण ये मानकर चल रहे हैं तो उसमें सी का मान जीरो होगा। सी का मान आपको तुरंत ज्ञात हो जाएगा इस भाषा के आधार पर कि व्रत जो है वो मूल बिंदु से जा रहा है। और यदि मान लीजिए व्रत का केंद्र दिया हुआ है आपको और ये दिया हुआ है कि व्रत मूल बिंदु से जा रहा है, और ये मान लीजिए आपको केंद्र दे रहा है तीन कमा चार, तो इसका केंद्र आपको तीन कमा चार दे रहा है और यह मूल बिंदु से जा रहा है, तो इसकी त्रिज्या जो होगी इस केंद्र से इस मूल बिंदु तक की दूरी के बराबर होगी, अर्थात इसकी त्रिज्या आर बराबर होगी वर्गमूल एक्स वन माइनस एक्स टू का वर्ग प्लस वाई वन माइनस वाई टू का वर्ग। ये बिंदु आप एक्स वन कॉमा वाई वन मान लीजिए और ये बिंदु जीरो कॉमा जीरो होता ही है मूल बिंदु, तो आपके त्रिज्या बराबर हो जाएगी तीन माइनस जीरो का वर्ग चार माइनस जीरो का वर्ग, तो ये हो जाएगा तीन का वर्ग प्लस चार का वर्ग और ये हो जाएगा आपका नौ प्लस सोलह पच्चीस और पच्चीस का वर्गमूल लेंगे पाँच, तो इस प्रकार से आपको त्रिज्या मालूम हो गई। तो यदि आपको व्रत का केंद्र दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि व्रत का केंद्र मूल बिंदु से जाता है, तब आप इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, केंद्र की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कर लेंगे, वह आपकी त्रिज्या हो जाएगी। आपको त्रिज्या आर का मान ज्ञात हो गया पांच और केंद्र का मान मालूम है आपके लिए तीन कोमा चार, तो इस व्रत का समीकरण इसी सूत्र द्वारा निकल जाएगा आपका एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। तो कहने का तात्पर्य यह है कि कोई ये कुछ विशेष बातें हैं यदि जो आपको याद होंगी तो आपको प्रश्न के हल करने में प्रश्न को हल करने के लिए किस
तरकीब से प्रश्न को हल करा जाए, इसका निर्णय करने में आपको काफ़ी सुगमता होगी। तो मैंने आपको एक बात तो ये बतलाई, यदि कोई व्रत एक्स अक्ष को स्पर्श कर रहा होता है तो उसकी त्रिज्या उसके केंद्र के कोट के संख्यात्मक मान के बराबर होती है। यदि कोई व्रत बाई अक्ष को स्पर्श कर रहा होता है तब उसकी त्रिज्या उसके केंद्र के भुज के संख्यात्मक मान के बराबर होती है। और यदि कोई व्रत दोनों अक्षों को स्पर्श कर रहा होता है तब उसके केंद्र के भुज और कोट के संख्यात्मक मान बराबर होते हैं और त्रिज्या किसी एक के संख्यात्मक मान के बराबर होती है। और यदि कोई व्रत मूल बिंदु से जा रहा है तो समीकरण, अगर आप व्रत को समीकरण ज्ञात करने के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं तो इस सूत्र में आपको जी के एफ के और सी के मान निकालने होते हैं। क्योंकि व्रत का समीकरण व्रत जो है मूल बिंदु से जा रहा है इसलिए आपको सी का मान 0 प्राप्त हो जाएगा। तो एक आपको जी सी और एफ में सी का मान तुरंत प्राप्त हो गया। जी और एफ का मान प्राप्त करने के लिए अन्य समीकरण बनाकर उसको हल कर सकते हैं। और यदि व्रत का केंद्र दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि व्रत मूल बिंदु से जाता है तो केंद्र से लेकर मूल बिंदु तक की दूरी निकाल दी जाए। ये दूरी जो है केंद्र से लेकर मूल बिंदु तक की दूरी जो है वो व्रत की त्रिज्या के बराबर हो जाएगी। जब ये त्रिज्या के बराबर हो जाएगी तो आपको व्रत की त्रिज्या मालूम हो गई और व्रत के केंद्र के निर्देशांक मालूम है। तो इस सूत्र के अंतर्गत मान लगाकर आप व्रत का समीकरण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको जो बातें आज बतलाई उन पर आप विचार कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे तो आपको प्रश्नों को हल करने में काफ़ी सुगमता होगी। आज मैं अपनी बात को ही समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।